महापुरुषों का अनादि काल से ये मत रहा है कि यथार्थ गुणतम रहस्य को छिपा कर प्रस्तुत करते आए हैं, इसलिए कि अधिकारी वर्ग इसको समझ खातिर सदुपयोग करे और अधिकारी वर्ग समझ का दुरुपयोग न करे। मानस में तुलसीदास ने व्यवहारिक पहलू लिखते लिखते यथार्थ का चित्रण कर ही दिए हैं। जिस तरह की विभीषण को चिंता हुई कि रावण रथारूढ़ है और प्रभु राम आपके पैर में पनाही तक नहीं है, जूता तक नहीं है, खड़ाव तक नहीं है, तो आप कैसे उस बलशाली रावण से युद्ध करके जीत पाएंगे। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना कहीं भी जीत वीर बलवाना। तुमकर भोला स्वभाव देख के विभीषण के राम बोले कि सुनो सखा कह कृपा निधाना, यही विधि हुई जो जय सयंदन आना। कौना विधि हुई भाई, कौना तरह के आध्यात्मिक रथ बनाओ राम बना के रावण के चित्रण। सौरज धीरज ताही रथ चाका, सत्यशील अरु ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। इसके बाद दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बल विज्ञान कठिन को दंडा, इस भजनी सारथी सुजाना। और उसके बाद कवच भी होता है ना, कि कोई बाण लग ना पाए उसे बचाने के लिए, तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके मन रथ हो ही दृण सुनो सखा मत घेर। प्रभु राम ने विभीषण को बताया कि इस तरह से अजय जो शत्रु है, जिसको आसानी से नहीं बहुत कठिनाई से जीता जा सकता है, इस तरह के आचरण अपनाने पर मोहर पिरावण से आदमी जीत सकता है। तो सौरज धीरज ताहि रथ चाका, सप्तशील अरु ध्वजा पताका। तब कव इसमें बताया है अंतिम में कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, तो माया के प्रहार से बचने का दो ही उपाय है। विप्र जो विशिष्ट परा प्रकृति में प्रवेश कर चुका है, ब्रह्मा के दिन जिसके संस्कार कट चुका है, संकर की स्थिति में है, संस्कारों का और मन कट जाना संकर, संस्कारों का अंत हो जाना संत, यानी संत और गुरु मने सदगुरु, शिव स्वरूप सदगुरु, शंकर और शिव यही दो हैं। सुनने में तो लोग समझते हैं कि शंकर शिव एक ही न है, ये साधना के क्रमगत सोपान है। जिसका संस्कार कट गया वो शंकर है, जो संस्कार बनाने वाला मन चित्त भी एगो अग्नि प्रकट होकर जल जाता है, मन मुआ माया मुई, तो वो परमात्मा की अनंत रानी है, आपका भी अनंत स्वरूप रानी कण कण में हो जाता है, तो आप भी शिव स्वरूप सदगुरु हो जाते हैं। यही दो कवच हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। और दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है माया से लड़ने का और पार पाने का। इसीलिए सभी संतों का यही मत है
इसको बंदे से पहले मोहब्बत करो, मेहरबा की इनायत मिल जाएगी। सदगुरु कहते हैं कि पहले मेरे बंदे हैं जिसके हृदय से मैं कार्य करता हूँ, उसको पहले सेवा से, दान से, अपना भाव प्रेम आचरण से उनको खुश करके अनुकूल कर लो, उनके हृदय को जीत लो। तो सबसे बड़ा इनायत है कृपा सागर होते हैं सदगुरु, उनकी इनायत मने कृपा दृष्टि मिल जाती है। प्रभु राम भी कहें लक्ष्मण से कि देखो भक्ति सारे सुख का राशि है, भक्ति चाहते हो तो भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। संत पहले मिलते हैं अपने आचरण भाव प्रेम से, उनके दिल के पहले जीतो। जब वो संत अनुकूल हो जाते हैं आपके आचरण भाव भजन देखकर, तब हम कृपा करते हैं। डायरेक्ट कोई समुद्र का पानी नहीं पी सकता है, समुद्र का पानी इतना खारा नमकीन होता है कि पीने में आता ही नहीं है। संत उनके अनुकूल मानसून वायु होते हैं, जो कि मानसूनी बारिश समुद्र से जल लेकर, और जब वृष्टि करते हैं तो जल मीठा हो जाता है, पीने में आता है। तो सदगुरु जो आकाशवत परमात्मा है, कणकड़ में है, जिसके हृदय से जागृत होकर वो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान निज्ञात जानकारी, वो ज्ञानी भक्त उनका स्वरूप होता है, उसे हटा दो, उन्हें बैठा दो, चाहे उनको हटाकर अपने बैठ जाए, दोनों का स्थिति एक ही होता है। उसी तरह चार तरह के भक्त होते हैं, आर्तता जिज्ञासु ज्ञानी, तो ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप होता है। जिसके हृदय से वो जागृति हो जाती है वही द्विज है, दूसरा जन्म। एक जन्म तो माता पिता से शरीर का होता है, और संत सदगुरु से हृदय में आत्मिक जागृति, वही ज्ञान निज्ञातन राम का जागृति जन्म होता है। उसको मानस में द्विज बताया गया है, वही सर्वगुण ब्रह्म है। सर्वगुण ब्रह्म उपासक परहित निडत नीत दृढ़ नेम, आओ नर मम प्राण सम जिनके द्विज पद प्रेम। और कबीर साहब का बोले हैं कि सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय। सबके हृदय में तो भगवान है ही है, किसी का हृदय भगवान के बिना सुना नहीं है। तो सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी गुरुस्तासु का जाघट प्रगट हो। उसके सामने अपना सारा बल हार जाना चाहिए, जिसके हृदय से भगवान जागृत होकर बोलने बतियाने लगे। अब वो नहीं बोलता है, उसके माध्यम से भगवान बोलते हैं, बताते हैं। वहाँ कोई भी बल लगाएंगे तो कुभाव हो जाएगा। इस तरह के संत कबीर कहें कि रुंड लड़े सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। रुंड के मतलब कटा हुआ सर, जब सामने प्रस्तुत होते हैं तो सोचने समझने की क्षमता इस मस्तिष्क में होता है, शरीर में नहीं होता। और जितने भी मायावी साधु संत चाहे लोग होते हैं, अनेक बुद्धि जाल में उलझा कर लोगों को भटका चुके हैं, वैसे लोगों के लिए भी वो जो कि सदगुरुओं को विद्या से वंचित है, निगुरे लोग होते हैं, तो बड़बड़ बातें भोदू मारे दिल की जाने राम है, कहे कबीर वही नरसूरा जिन पर रिझे राम है। इस पर स्वयं कणकण में रमने वाले परमात्मा जिन पर रिझ गए हैं, उनके बस में हो गए हैं, और उनके सामने
आप बहुत बड़े बड़े बात दोहा चौपाई एक से एक तर्क कीजिएगा। जब आपकी मनोस्थिति और आपके चित्त का बैलेंस सब वो जानते हैं, क्योंकि जिसको चित्त तक देखने की दृष्टि होता है वो संत होते हैं। आप जन्म जन्मांतरों में क्या लेकर आए हैं वो सब देखते हैं, जानते हैं। आपके हृदय भी बक्सा के अंदर कौन कौन सी नक्शा है वो सब देख रहे हैं, जानते हैं। तो नक्शा में आपका खेत भी है, तो खतियान नक्शा में धान रोपने से होगा? तो खतियान नक्शा से अपना प्लॉट नंबर देकर अपना खेत में खेती कीजिएगा, तब वो धान होगा, उपज होगा। उसी तरह संसद गुरु आपके हृदय रूपी चित्त बैलेंस देखकर, संस्कार बैलेंस देकर आपको वैसा ही उपदेश करते हैं। और वैसा ही उपदेश कर जिस तरह आपका बैलेंस है उसको अपने आप आचरण में अपनाइएगा, प्रेम भाव के साथ दुर्गुण को त्यागिए, सद्गुण को बढ़ाइएगा, तब जाकर परम कल्याण का भागी बनते हैं। यानी द्विज जो दूसरा जन्म जिसका हो गया भगवान की जागृति, वो सृष्टि में पूजनीय है। इसीलिए कहा गया है कवच अभेद विप्र गुरु को, गया वही कवच है माइक प्रवृत्ति से बचाने के लिए। ऐसम विजय उपाय न दुर्गा, महा अजय संसार रूप जीत सको सो वीर, जाके मन रथ हो ही दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। तो भगवान भी सर्वत्र है, माया भी सर्वत्र है। माया का भी रचना भगवान ने ही किया है। इसको कोई अपने मन बुद्धि से सोचे कि हम जीत लेंगे, तो सृष्टि में आज तक ना कोई जीता है ना जीत पाएगा। जब भी कोई माया से पार पाया है तो प्राप्ति वाले ओरिजिनल संत सदगुरु के ही सानिध्य में रहकर मन क्रम वचन से समर्पित भावना से चलकर, नियम संयम और आचरण भाव को अपनाकर, क्योंकि ब्रह्म आचरण सब ब्रह्मचारी, ब्रह्म जो विद्यादायक अवतार परमात्मा जब जागृत होकर जिसके माध्यम से बोलने लगते हैं, उस उपदेश पर आप चलने लगते हैं, तब जाकर आप परम कल्याण का भागी बनते हैं। तो जागृति वाले संत का आपके पास कोई पहचान नहीं है। जिसको स्वयं कृपा करके जना देते हैं, तेई देई जनाई जाना तुम्हें हो जाए, तो स्वयं सब पर कृपा क्यों नहीं करते हैं? कृपा तो सब पर है, सूर्य का प्रकाश सब पर पड़ता है, पैखाना पे भी पड़ता है, फूल पर भी पड़ता है, समान रूप से। यह अखिल विश्व मूर्ख माया सब पर मोर बराबरी गाया, सारा सृष्टि जीव जगत ब्रह्मांड को परमात्मा ही ने रसाए बचाया है, और सब पर उनका बराबर कृपा दृष्टि भी है। लेकिन दो तरह का मार्ग है, एक माया में प्रवृत्त होने वाला, एक माया से निकलकर परमात्मा में जाकर निवृत्त होने वाला, यानी निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं तो संत सदगुरु भगवान का विशेष दया हो जाता है, वो हृदय से रथी होकर चलाने लगते हैं। बहुत जन्म का पुण्य पुरुषार्थ आपके वर्तमान में उदय होता है, कार्य करता है, तब उस संत का पहचान भगवान कराते हैं। बिना पुण्य पुंज मिला मिला ही न संता, तो उसी पुण्य पुंज के फलस्वरूप संत का पहचान भगवान कराते हैं, संत मिलते हैं, हृदय से जागृत होकर आपको चलाने लगते हैं, बताने लगते हैं, तो आपको विश्वास भी हो जाता है। जाने बिना हुई न प्रतीति, बिन प्रतीत हुई नहीं प्रीति। जब तक वो जानकारी ना दे तब तक प्रेम नहीं होगा। अब बिन प्रतीत के ना भक्ति दृढ़ाई, जिमें खगपति जल के चिकनाई है। बिना विश्वास के भक्ति आपको दृढ़ नहीं होगा,
और जब दृढ़ हो जाएगा तो आप अपना मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ उसका व्यवसाय को तज कर परमात्मा में लौ लगा लेते हैं और बुद्धि जाल को ताखे पर रखकर परमात्मा के राह में चलना पड़ता है। बुद्धि का सिर्फ इतना ही उपयोग होता है कि भगवान कहते क्या है, अंदर से क्या कहे, बाहर से क्या उपदेश दिए, दोनों को बस अपने आचरण में ढालते जाइए, सीधे परमात्मा के अंक में जाकर विलय पा जाइएगा। यही रामचरितमानस में तुलसीदास का यथार्थ चित्रण है कि इस तरह के अपने मन के अंतराल में, आचरण के अंतराल में दृढ़ बना लीजिएगा, तभी परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त हो सकता है।